नमस्कार, R9 TV देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। जी हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए। साजन का त्यौहार यानी कि करवा चौथ का त्यौहार आ गया है और ऐसे में आज आपको दिखाएंगे कि करवा चौथ की रौनक बाजार में किस तरह से दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि करवा चौथ के मौके पर किस प्रकार की रौनक मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इस वक्त मैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हूँ और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट बेहद ही फेमस मार्केट है और इस मार्केट में फीमेल से जुड़ी सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मिल जाती है। और वैसे भी करवा चौथ का त्यौहार है और ऐसे में हर फीमेल सजना संवरना चाहती है, शॉपिंग करना चाहती है, क्योंकि करवा चौथ के मौके पर शॉपिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट में करवा चौथ को लेकर क्या कुछ स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सरोजनी मार्केट के हर दुकान में कितनी ज्यादा भीड़ है। हर एक दुकान में आपको भीड़ नजर आ रहा होगा क्योंकि लोग अपने घर से निकलकर मार्केट तक बस इसलिए आए हैं कि कुछ अच्छा सा खरीद के लेके जाए और इस करवा चौथ को स्पेशल बनाए। वैसे तो तैयारियां काफी महीनों पहले से लोग करने लगते हैं, पर एंड तक कहते हैं ना कि जब तक त्यौहार बीत ना जाए तब तक जो तैयारी है वो कम्प्लीट नहीं होती। तो हर कोई अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाने के लिए घर से निकलकर मार्केट तक आया हुआ है और इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि क्या पहने, क्या खरीदे, किस प्रकार की शॉपिंग करे। वैसे शॉपिंग का जब भी बात होता है, जिक्र किया जाता है, तो लेडीज के मन में, फीमेल्स के मन में, सुहागिन महिलाओं के मन में यही सबसे पहले जो बात आती है वो ये होती है कि भाई क्या पहने, कैसे इस दिन को स्पेशल बनाए। तो मार्केट में आपके पसंद के हिसाब से सारी चीजें अवेलेबल है। पर बात करें साड़ी की, तो साड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगी और वैसे भी करवा चौथ का अवसर है तो ऐसे में हर फीमेल चाहती है कि इस दिन को खास बनाए। और करवा चौथ में रेड कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। रेड कलर एक ऐसा कलर है जो प्यार का प्रतीक है। लव में हमेशा रेड कलर को देखा जाता है और वैसे भी कहा जाता है कि इस दिन लाल रंग का आप जो भी पहनते हैं बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे साड़ी की वैरायटी बहुत ही सुंदर सुंदर है। यदि आप मार्केट तक आते हैं और सोचते हैं कि मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए, रेड कलर की ही साड़ी पहनना है, तो आपको बता दूं कि ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। तो जरा देखिए कि रेड कलर की साड़ी में डिजाइन्स कितने प्यारे प्यारे हैं। लोगों का कभी मन होता है पर्ल डिजाइनर में साड़ी पहनना, जरी लगे हुए साड़ी पहनना, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जरी लगी हुई साड़ी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है, जो आप देखते ही बिल्कुल चूज कर लेंगे, पसंद कर लेंगे। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनना चाहते। लोग चाहते हैं कि इस करवा चौथ में वो कुछ लाइट पहने पर बहुत ज़्यादा गॉर्जियस पहने। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, बिल्कुल रेड कलर की साड़ी है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, पर ये बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रही है। यदि आप इसे पहनेंगे तो नो डाउट आपका जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा।
जाएगा। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसे नेट की साड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो उनके लिए भी इस मार्केट में बहुत कुछ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि नेट की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी जो मैं देख रही हूँ, ये बेहद ही सुंदर है और ये इतनी सुंदर लग रही है कि आप इसे देखते ही एक नज़र में पसंद कर लेंगे। तो डिज़ाइन की कोई भी कमी नहीं है, मार्केट्स में आपको हर प्रकार की डिज़ाइन की साड़ी मिल रही है। पर सिर्फ रेड कलर की बात करें तो रेड कलर में बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है, और कहा यह भी जाता है कि रेड कलर के साथ गोल्डन कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो ज़रा देखिए कि इस रेड कलर की साड़ी में गोल्डन कॉम्बिनेशन में ये जो डिज़ाइन किया गया है वो कितना सुंदर लग रहा है। और जब भी हम फीमेल्स कुछ वेयर करते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो सबसे पहले ये भी सोचते हैं कि भाई हम जो भी पहने वो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हमें दे। तो साड़ियाँ आपके हिसाब से है, कम्फर्ट आपके हिसाब से, कलर्स में रेड कलर में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। डार्क रेड चाहिए, मरून कलर चाहिए, ब्लड रेड चाहिए, किसी भी कलर की साड़ी चाहिए आपको इस मार्केट में मिलेगी। चलिए आपको ये भी दिखाएंगे कि साड़ी के अलावा यदि आप साड़ी नहीं पहनना चाहते, सूट कैरी करना चाहते हैं, लहंगा कैरी करना चाहते हैं, तो क्या कुछ मार्केट में अवेलेबल। तो करवा चौथ को लेकर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस करवा चौथ में जो भी फीमेल्स मार्केट तक आ रही है उनकी डिमांड क्या होती है। आपसे जानना चाहेंगे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो करवा चौथ में जो भी फीमेल्स आती है उनका क्या डिमांड होता है, किस कलर की वो डिमांड करती है? कलर ज़्यादातर वही रेड कलर, रेडी चाहिए हमें, रेड चाहिए, सबको रेडी मांगते सब लोग। तो आपने सुना कि रेड ही चाहिए, क्योंकि रेड एक ऐसा कलर है जो करवा चौथ के फेस्टिवल को और भी रंगीन बना देता है। तो आप देख सकते हैं कि हर मार्केट में रेड कलर में बहुत सारे ऑप्शन है। साड़ी मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको सूट दिखाना चाहूंगी कि प्लाजो के साथ ये सूट का सेट बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। तो क्या भैया कितनी ज्यादा भीड़ थी, कितनी ज्यादा लोगों ने शॉपिंग की, कितना ज्यादा? बहुत भीड़ है इस टाइम, तो कुछ ज्यादा ही भीड़ रखी है, और सबका जिसको चाहिए रेडी कलर चाहिए होता है, सबको दिखा रहे हैं। तो इस बार की करवा चौथ में क्या कुछ स्पेशल है मार्केट में? स्पेशल ये भीड़ है। स्पेशल ये है कि भीड़ है जी। तो सबसे खास बात ये है कि स्पेशल ये है कि भीड़ है, क्योंकि करवा चौथ का जब भी माहौल होता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग करवा चौथ के मार्केट में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में हमने आपको बताया कि सूट, लोगों को सूट भी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो साड़ी कैरी नहीं करना चाहते, सूट पहनना चाहते हैं, कैजुअल सूट पहनना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सूट में क्या कुछ वैरायटी है। यदि आप रेड कलर नहीं पहनना चाहते तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस कलर में, एक सी ग्रीन कलर में एक बेहद ही प्यारा सूट है जो नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है। रेड कलर तो आपको हर मार्केट में मिलेगा, पर यदि आप रेड कलर कैरी नहीं करना चाहते, कुछ अलग पहनना चाहते हैं, तो ब्लू भी बहुत सारी फीमेल्स का फेवरेट कलर होता है। तो देख सकते हैं कि ब्लू कलर का भी एक सूट है प्लाजो के साथ विथ हैवी दुपट्टा, साथ ही साथ रेड तो हर जगह नज़र आ रहा है, और फेस्टिवल के अवसर पर वैसे भी रेड के साथ साथ येलो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो येलो कलर का भी एक बहुत ज़्यादा ब्रोकेट में डिज़ाइन बना हुआ सूट जो है नज़र आ रहा है, उसके साथ नेट का दुपट्टा अपने आप में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कलर जितने भी हो पर आपको रेड कलर हर दुकान में नजर आएगा। रेड कलर एक ऐसा कलर है जो हर करवा चौथ में स्पेशल माना गया है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है। तो रेड कलर तो आपको दिख रहा है, पर यदि आप थोड़ा लाइट कलर कैरी करना चाहते हैं, लाइट कलर में कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं लाइट पिंक में ऑप्शन है, वाइट है और ब्लू तो है ही है। तो मार्केट में आपको हर प्रकार की डिज़ाइन, हर प्रकार की वैरायटी की चीज़ें मिल रही है। आप सूट कैरी करना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, साड़ी पहनना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, और यदि गाउन की बात करूं तो गाउन्स भी बहुत सारे इस मार्केट में नज़र आ रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी हैं जो अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि गाउन में एक ग्रीन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो दिख रहा है। तो आप किसी भी टाइप का ड्रेस कैरी करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, चाहे वो लाइट हो, हैवी हो, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो, आपको इस करवा चौथ मार्केट में ज़रूर नज़र आएगा। चॉइस आपकी है।
वही करवा चौथ का त्यौहार जब जब नजदीक आता है तो करवा चौथ की थाली भी सभी को बहुत ज्यादा याद आती है, क्योंकि करवा चौथ के पर्व में थाली का भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है। छन्नी से चांद के साथ पति को देखना करवा चौथ के ट्रेंड में समाया हुआ है। लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनकी जो पूजा सामग्री हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो आजकल जिस तरीके से फैशन में बदलाव आ रहे हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं, वैसे में करवा चौथ की थाली में भी आप इस बार मार्केट में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए, जो मेरे हाथ में एक खूबसूरत सा लोटा है जिसे करवा भी कहा जाता है, इसे कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है, जरी लगाई गई है। पहले आप मार्केट में देखते होंगे आपको बहुत सारे नॉर्मल करवे दिखते होंगे, पर टाइम बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है और ऐसे में ये करवा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। और करवा चौथ की जब बात होती है तो छन्नी को कोई कैसे पीछे छोड़ सकता है। भाई बॉलीवुड फिल्मों में तो आप देखते होंगे कि छन्नी के साथ लोग पति को देखते हैं, पर छन्नी देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी नजर आ रही है, बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। डिजाइन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। देखिए इसमें कितनी खूबसूरती के साथ प्रॉपर वे में डिजाइन किया गया है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। करवा चौथ की थाली की बात करें तो जरा इसमें भी नजर डाल लीजिए कि करवा चौथ की थाली कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। डिजाइंस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की करवा चौथ की थाली दिख रही है। ये देखिए डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट वैरायटी में एक और थाली मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। तो करवा चौथ की थाली में जिस तरीके से बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, उसको लेके मार्केट में भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। पहले इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन के करवे या प्लेट्स नहीं आते थे, क्या कहेंगे कितने लोग आते हैं इसे खरीदने के लिए? मैम बहुत सारे लोग आते हैं और अलग अलग वैरायटी मांगते हैं, जैसे कि पहले इतनी वैरायटी नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है, अलग अलग हर चीज़ वैरायटी आ गई है, जैसे कि ये हो गई, इसकी अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, इसी तरह की बहुत सारी डिज़ाइन है। तो आपने सुना कि डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर जो थाली है पूजा की वो मिल रही है, पर खास बात यह है कि ट्रेंड तो बदल गया पर फैशन में जो बदलाव देखे जा रहे हैं उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थालियाँ में बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है और ख़ास बात यह है कि इस थाली ये जितने भी करवे हैं या थाली है उसमें रेड कलर जो है, मैंने आपको शुरू से ही कहा कि रेड कलर का एक अपना अलग ही महत्व है, तो ये रेड कलर का करवा देखिए बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिजाइन बहुत ज्यादा सुंदर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फैशन में बदलाव आया गया है, करवा चौथ में जिस तरीके से बदलाव आया है, आप इस शॉप को रन करते हैं, क्या लगता है मतलब लोग किस तरीके की चीजों को इस बार डिमांड कर रहे हैं? इस पर करवा की थालियों का ही मेन जो है डिजाइन नए आए हैं और लोग उनको लाइक भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हर बार डिजाइन आते तो हर बार नए हैं, लेकिन इस बार तो कुछ कमाली डिजाइन आए हैं। तो करवा की थाली का ही ज़्यादा प्रेशर है और सेकंड जो होता है वो कॉस्मेटिक, क्योंकि तो कॉस्मेटिक जो करवा चौथ है वो कॉस्मेटिक का भगवान माना जाता है जी। और हमारे कार्यक्रम का भी नाम यही है कि सजना है मुझे सजना के लिए। करवा चौथ का त्यौहार सजने संवरने का त्यौहार और ऐसे में मेहंदी लगाना अपने आप में बेहद ही खास माना गया है, बेहद शुभ माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट के बाहर यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग मेहंदी लगा रहे हैं, सज रहे हैं और अपने दिन को और ज़्यादा खास बनाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मेहंदी लगा रही हैं आप, कैसा लगता है ये फेस्टिवल करवा चौथ को लेके, क्या कहना चाहिए? अभी उत्साहित होते हैं, त्यौहार है, मनाने में अच्छा लगता है, अपने पति के लिए सजना संवरना अच्छा लगता है। तो इस फेस्टिवल को जिस तरीके से इंडिया में मनाया जाता है, आपने देखा होगा मार्केट में किस तरीके से भीड़ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी भीड़ होती है, क्राउड होता है।
जी बिल्कुल, आपने सुना कि काफ़ी ज़्यादा रौनक देखी जाती है करवा चौथ के अवसर पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो यहाँ पे मेहंदी लगा रही है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे, वेट करना पड़ा या फटाफट आपका नंबर आ गया? आफ्टर वन आवर मेरा नंबर आया है। बहुत वेट करना पड़ा इस मेहंदी के लिए। क्या कहना चाहेंगे, बस स्पेशल है मेरा तो बिफोर मैरिड फर्स्ट फास्ट है ये, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस फास्ट के लिए, और अच्छा लग रहा है मेहंदी के लिए डिज़ाइन। बहुत अच्छा लगा रहे हैं अभी आप। तो डिज़ाइन चूज़ करने में कितना टाइम लगा पहले से, या फर्स्ट करवा चाहते हैं तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा हो ना? क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे इस दिन को स्पेशल बनाना है? स्पेशली ड्रेस सेलेक्ट करने में और मेहंदी की डिज़ाइन सेलेक्ट करने में, उन्होंने कैटलॉग दिखाई थी, उस कैटलॉग में हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, फिर हमने लगवाया, काफ़ी अच्छा था फर्स्ट। देन आफ्टर मैरिड पता चलेगा कि ये व्रत कैसा होता है। अभी तक बिफोर मैरिड है। जी बिल्कुल, तो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइम से लोग इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए सोचते हैं कि भाई क्या पहने, कैसे तैयार हो। तो मेहंदी की डिज़ाइन की बात मैंने की, तो मैं आपको बता दूं कि लोग पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाई किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आपके कितने दिन की प्रिपरेशन है, क्या कहेंगे? मैम मेरी तो आज मतलब फर्स्ट करवा चौथ है। वो फर्स्ट करवा चौथ है, तो एक्साइटेड है आप? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। मेहंदी को लेकर क्या है? अच्छी है मेहंदी काफ़ी, पर थोड़ा टाइम लगा ढूंढने में भी। अच्छा, मतलब चूज़ करने में नो डाउट टाइम लगता है। अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? साथ ही आए हुए, वो उधर है। जी बिल्कुल, हस्बैंड जो होते हैं वो बीवी की जो भी सजने सवरनी की चीज़ें हो, मार्केट लेके जाना हो, उन सभी चीज़ों में पीछे नहीं रहते, क्योंकि कंप्लेंट मोड में बहुत सारी लेडीज चली जाती हैं। क्या कहेंगी आप, करवा चौथ है कितना स्पेशल फेस्टिवल है? स्पेशल तो है सभी लेडीज़ के लिए, और मेहंदी तो खास, हम स्पेशल मेहंदी के लिए यहाँ आए हैं। शॉपिंग तो हमारी मतलब महीने भर से पहले स्टार्ट हो गई थी, हम स्पेशल मेहंदी के लिए हम यहाँ मार्केट में आए हैं। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से आप यहाँ पे हैं? मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा जो मतलब कोन है वो आपका ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम से आप मेहंदी लगा रहे होंगे, कितनी भीड़ मार्केट में देखने को मिली? मैडम बहुत भीड़ रहती है करवा चौथ पर, बहुत रश रहता है, मेहंदी लगाते हैं हम भी बहुत, दो दो तीन दिन बच जाते हैं रात के मेहंदी लगाने में। कितने बजे से आपने शुरू किया था? सुबह 9-10 बजे से बैठे थे और अभी तक लगा रहे हैं। अभी तक लगा रहे हैं, तो आपने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और करवा चौथ की शाम तक लोग मेहंदी लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग टाइम नहीं दे पाते अपने ऑफिस शेड्यूल के कारण। पर जो मेहंदी का सिलसिला है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आई हैं, मेहंदी लगा रही है और इस दिन को स्पेशल बनाना चाहती है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी करवा चौथ को लेकर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाय, करवा चौथ है सो मेहंदी तो ऑब्वियसली लगाना बनता है क्योंकि उसका वर्किंग रहता है, तो इसलिए स्पेशली अभी आ गए हैं। सरोजनी मार्केट बहुत फेमस है मेहंदी के लिए स्पेशली, बिकॉज यहाँ बहुत मेहंदी वाले होते हैं, सो बेसिकली आ गए हैं सरोजनी में मेहंदी लगाने के लिए, और बस वेट है सेलिब्रेशन स्टार्ट हो। थैंक यू जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना स्पेशल है ये फेस्टिवल आपके लिए? बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ, और मैं अपने पति के लिए बहुत प्यार से रख रही हूँ, कल का बहुत इंतज़ार है मुझे। थैंक यू जी। तो आपको कितना इंतज़ार है, मतलब कल का कितना इंतज़ार है आपको? कल तो आने ही वाली है, वैसे एक्साइटेड तो बहुत है हम, और ये साल में एक बार आता है, हम बहुत खुश होते हैं, मतलब सोचते हैं कि जो हो सके वो करें और अच्छी से अच्छी मेहंदी, लेकिन ये मेहंदी इतनी महंगी लगाते हैं ना, बस दम निकल जाता है। क्या भैया मतलब कंप्लेन कर रहे हैं कि मेहंदी बहुत ज़्यादा महंगी लगाते हैं? आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, लेकिन पैसे की बात मैडम ने कही है, तो भाई मैं तो आपसे जानना चाहूँगी कितना ज़्यादा आप चार्ज कर लेते हैं? आज का दिन स्पेशल है, आपको पता होता है कि फीमेल्स तो मेहंदी लगाएंगी लगाएंगी। आज का ही तो दिन है जो कमाने का, खाली दिन बैठे रहते हैं हम लोग। तो ये मेहंदी का कितना चार्ज कर रहे हैं? 500 रुपये का एक हाथ का। भाई 500 रुपये एक हाथ का, पर ये पैसे कम ही लगते हैं क्योंकि फेस्टिवल इतना खास है, तो लोग हर तरीके से तैयार होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो फेस्टिवल्स में पैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हाथों में अच्छे तरीके से मेहंदी लग जाए, सच के सवर के सुंदरतापूर्वक वो निखर के जो खूबसूरती करवा चौथ के दिन आती है वो बाकी दिन नहीं आती। तो सजना संवरना और उसी के साथ मेहंदी लगाना करवा चौथ में बेहद खास माना गया है।
तो आप इंतजार कर रही हैं मेहंदी लगाने के लिए, क्या कहें? अपनी बारी की वेट कर रही हूँ और बड़ी बेचैनी से वेट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम बाकी हैं और घर जाकर ऐसे हाथ में बैठ जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि त्यौहार है ये काम तो करना ही है, और फिर साल में एक बार आता है तो इसका इंतजार भी रहता ही है। तो करवा चौथ कितना खास फेस्टिवल? बहुत खास, बहुत खास हिंदुओं के लिए, और ख़ासतौर हम जैसे पंजाबी और जो इसे मनाते हैं उनके लिए तो बेहद ख़ास है। बिल्कुल सुहाग का फेस्टिवल है तो अपनी एक बहुत अहमियत रखता ही है। तो बहुत स्पेशल है करवा चौथ, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और इससे क्या होता है कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो मतलब मैं बहुत एक्साइट होती हूँ इस व्रत के लिए। बहुत साल से करवा चौथ कर रही हूँ मैं, 20 साल से कर रही हूँ। बहुत मजा आता है मतलब व्रत रखने में, बड़ा इंतजार रहता है इस व्रत का। भीड़ है। हाँ, फिर भी घर के सारे काम छोड़ के हम आते हैं मेहंदी लगाने की, मतलब अच्छे से सजे सवरे, पर मतलब बहुत मजा आता है इस बार। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट करवा चौथ, दो आई एम नॉट फास्टिंग बट स्टिल। हाँ, तैयार होना है, पति के पैसे खर्चवाने हैं, शॉपिंग करनी है, उसी की एक्साइटमेंट है। हमारे व्यूवर्स को करवा चौथ विश कर, अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द गर्ल्स, इन्जॉय, बहुत सारे पैसे खर्चवाओ, इन्जॉय योर डे, दिस इज ऑल अबाउट यू, डोंट कुक, लेट योर हस्बैंड कुक एंड टेक यू आउट। करवा चौथ का त्यौहार जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है, लोग सज धज के सवर के शाम को पूजा पाठ करते हैं, चंद्रमा को देख के अर्घ देते हैं, उसके बाद ये व्रत जो है वो संपूर्ण माना जाता है। पर पूजा पाठ की बात करें तो मार्केट में मैं हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे हाथ में सीख है जिसे लोग खरीदने के लिए मार्केट तक आते हैं, क्योंकि सीख का करवा चौथ के पर्व में, करवा चौथ के फेस्टिवल में अहम भूमिका होती है। इस सीख को लोग अपने करवे पे रखते हैं और उसी के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो करवे की बात मैंने की तो ये मिट्टी का बना करवा आप देख सकते हैं, इसका विशेष महत्व माना गया है। इस मिट्टी के बने करवे के साथ दिया भी आपको मिलेगी, जो दिया का महत्व हर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, और इसी के साथ लोग इसी मिट्टी के करवे में करवा चौथ यानी कि करवा शब्द जो है वो करवा चौथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिज़ाइन के यहाँ पे बहुत सारा जो करवा है वो नज़र आ रहा है, जरी के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत करवा जो है वो नजर आ रहा है। करवे के साथ साथ लोग जो पूजा की थाली रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी यहाँ पे मिल रही है, वैरायटी मिल रही है। आपका बजट आपके हिसाब से हो, आपका बजट आपका जो भी हो, आप अपने हिसाब से करवा चौथ की थाली खरीद सकते हैं। और करवा चौथ में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो करवा माता की जो तस्वीर होती है लोग उसे देखते हैं, पूछते हैं, कथा पढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी करवा चौथ की जो तस्वीर है, ये आप देख लीजिए, इसका भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, लोग इसे भी खरीदने के लिए मार्केट पे आ रहे हैं, जिसमें करवा माता बनी हुई है और साथ ही साथ जो भी इनकी, कहते हैं कि जो भी इनकी पूरी फैमिली है या जो भी करवा चौथ से जुड़ी कहानियाँ हैं वो इस फोटो में दिखाई जाती है। इस तस्वीर को रखकर ही लोग अपने पूजा स्थान में पूजा पाठ करते हैं और कथा जो है वो सुनते हैं, और कथा सुनने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि लोग समूह में या यूँ कहें अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के करवा चौथ की जो कथा है उसे सुनते हैं। तो करवा चौथ की कहानी की जो कथा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी मार्केट में। इस कथा को सुन के लोगों का जो करवा चौथ का व्रत होता है वो संपूर्ण हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करवा चौथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है, बहुत ही अहम योगदान निभाता है। आप मार्केट आइए, आपको मार्केट में हर प्रकार की चीज़ें मिल रही है, और करवा चौथ की चीज़ों से, करवा चौथ के सामानों से ये जो मार्केट है ये रंगा नज़र आ रहा है। लोग घर से निकल कर मार्केट तक आ रहे हैं, करवा चौथ की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जहां सजना सवरना उसी के साथ पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। तो पूजा पाठ में चाहे वो सीख की बात करें या पूजा पाठ में हमने करवे की बात की, तो किताब की बात की जिसमें कथा लिखी गई है कि करवा चौथ की क्या कुछ कथा है, ये कथा सुनना बहुत ही अहम माना गया है आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन। तो आप भी मार्केट में आ सकते हैं, करवा चौथ से जुड़ी सामग्री को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और अपने करवा चौथ को अच्छा बना सकते हैं। Thank you.
देखा आपने करवा चौथ को लेकर मार्केट में किस तरह से रौनक देखी जा रही है। वही करवा चौथ का त्योहार है, सजने धजने का त्योहार है, प्यार का त्योहार है और इसका इंतजार लोग बेसब्री से किया करते हैं। तो ये त्योहार आ चुका है, ऐसे में आप सभी को भी करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। मार्केट में रौनक नजर आ रही है, मेहंदी लग रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि ये त्योहार बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।